22 के महासमर में बीजेपी ने काशी और अयोध्या के मुद्दे को खूब भुनाया। नतीजा बीजेपी प्रचंड जीत के रूप में सामने आई। अब बीजेपी की नजर 24 के लोकसभा चुनाव पर है। ऐसे में बीजेपी राम के नाम के बाद अब कृष्ण के नाम पर चुनावी दांव की बिसात बिछाने की तैयारी में है। योगी आदित्यनाथ दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इस चुनाव में बीजेपी को अयोध्या काशी के मुद्दे पर जनता का पूरा साथ मिला था और इसी चुनाव में मथुरा का मुद्दा भी हावी रहा। सीएम योगी ने भी एक रैली में कहा था कि जब अयोध्या काशी हो गया तो मथुरा वृंदावन कैसे पीछे छूट जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा, वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। भगवान विष्णु के सातवें अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम माने जाते हैं और आठवें अवतार श्री कृष्ण। भगवान शंकर तो महादेव है ही। बीजेपी अयोध्या और काशी के जरिए 2022 में यूपी का महासमर जीत चुकी है और अब वो मथुरा के सहारे 2024 में दिल्ली तक सत्ता का सफर तय करना चाहती है। ये ऐसा प्रयोग है जिसने न केवल 22 में बीजेपी को यूपी दिलाया बल्कि अब वो इसी के सहारे 24 का महासमर भी जीतना चाहती है। यूपी चुनाव के नतीजों के महज 3 दिन बाद वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के आह्वान पर साधु संतों की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सभी संत महात्माओं ने एकमत होकर 3 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें काशी के बाद मथुरा की बारी, रामलला के बाद अब श्याम लला की बारी, श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का संकल्प, श्री कृष्ण जन्मभूमि पर विशाल कॉरिडोर बनाने की मांग। माननीय योगी जी से, प्रधानमंत्री जी से आज हस्ताक्षर युक्त पत्रक भेजा जा रहा है कि आप शीघ्र ही इसमें निर्णय लें और जो जो भी बाधाएं हों, चाहे वो सामाजिक हों, राजनैतिक हों या अन्य कोई बाधाएं हों, कानूनी बाधाएं हों, उन समस्त बाधाओं को वैसे ही दूर करें जैसे राम जन्मभूमि मंदिर के समय आपने सब कुछ किया है और भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। बिल्कुल, राम मंदिर की तरह यथाशीघ्र कृष्ण मंदिर का मार्ग प्रशस्त होगा। हमारे ब्रजवासियों की, संतों की और समस्त धार्मिक आस्था की जो ये एक मन में एक संकल्प आया है, एक किरण जगी है, वो निश्चित रूप से एक दिन सूर्योदय होगा और हम लोगों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। अयोध्या और काशी के बाद अब 2024 में धार्मिक ध्रुवीकरण का लक्ष्य कृष्ण की धरती है और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि जिस तरह अयोध्या मामले में जीत के बाद चुनावी दौर में मथुरा को लेकर चल रही अदालती लड़ाई को सियासी चश्मे से देखा और बताया जा रहा था, वो दरअसल अयोध्या का विस्तारवादी रूप बताया जा रहा है। यानी राम नाम के बाद 2024 के लिए कृष्ण के नाम पर चुनावी दांव की बिसात बिछाई जा रही है। टीम न्यूज़ स्टेट।